शिवसेना और ईडी के एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के घर पर छापेमार के बाद ईडी अब एनसीपी में शिफ्ट हो गया है। इस बीच ईडी ने प्रफुल्ल पटेल के मुंबई स्थित घर को सीज कर दिया है। इकबाल मिर्ची के परिवार के साथ आर्थिक लेन देन किया था। पटेल ने कहा था कि जो कुछ भी हुआ वह कानूनी था, लेकिन अब ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई के वर्ली इलाके में उनके घर को सीज कर दिया है। हर्षवर्धन पलांडे हमले के मामले की गहन जांच करे शिंदे समूह की पुलिस उपायुक्त से मांग। इकबाल मिर्ची मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। 2019 में प्रफुल्ल पटेल से भी पूछताछ की गई थी। ये आरोप इकबाल मिर्ची से जुड़े थे। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर अपनी राय रखी। अब इस मामले में ईडी ने 4 मंजिल यानी प्रफुल्ल पटेल के घर को सीज किया है। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।